हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 स्कोडा कुशाक। एंड गाइस, आपके सामने खड़ी हुई है इसकी 1 लीटर स्पोर्ट लाइन वेरिएंट, जो कि भी भाई न्यू वेरिएंट एड ऑन हुई है अपने कुशाक लाइनअप में, जिसका गाइस फुल डिटेल रिव्यू करने वाले। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या नए अपडेट्स मिले हैं, एंड एज कम्पेयर टू सिग्नेचर वेरियंट जो कि इसके जस्ट नीचे वाला वेरियंट आता है, उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, क्या प्राइस डिफरेंस है। एंड अभी तक तो भाई देख रहे थे तो स्टाइल या फिर आप बोल सकते हैं सिग्नेचर VFM था, लेकिन अभी बोला जाए भाई स्पोर्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या नई चीज़ें मिली हैं हर एक बात। एंड चैनल पर नहीं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी कार से रिलेटेड इंडस्ट्री रिव्यू अपडेट कंपैरिजन छपाने के लिए वाराणसी में भाई से बिलोंग करते हो, कोई प्रोडक्ट चाहिए आपको स्कोडा की, बिल्कुल आप अव्यय स्कोडा पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर होगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस की से, तो कुछ ऐसी की अपने कुशाक स्पोर्ट लाइन में ऑफर हो रही है। यहाँ पे आपको 3 बटन्स मिल जा रहे हैं लॉक अनलॉक ट्रंक ओपन करने का, एंड यहाँ पे आपको वेब कीज ऑफर हो जा रही है स्कोडा की ब्रांडिंग। एंड गाइस, प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात कर लेते हैं, तो कुशाक ऑफर होती है भाई अपने को टोटल 15 वेरिएंट एंड 6 कलर ऑप्शन के साथ। प्राइसिंग की बात करेंगे तो स्टार्ट होती है 10.89 लाख रुपीज़ एक्सरूम, टॉप मॉडल तक जाती है 18.8 लाख रुपीज़ एक्सरूम। आपके सामने इसकी 1 लीटर स्पोर्ट लाइन वेरिएंट खड़ी हुई है, जिसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी भाई 14.7 लाख रुपीज़ एक्सरूम। मोटी मोटा ऑन रोड चली जाएगी 17 लाख तक। ऑन रोड प्राइस जो है बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वैरी कर सकती है, या फिर सेम डीलरशिप का भी थोड़ा मोटा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है भाई, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, कुछ ऐसी ओवरऑल चीज़ें मिल जा रही है। पहले तो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ये बता देता हूँ कि इसकी जो नीचे वेरिएंट पहले आती थी सिग्नेचर, उससे क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो सबसे पहले आप नोटिस खुद से कर लिए होंगे, यहाँ पे आपको पूरी प्रोडक्ट अपनी है जो डेक्रोम देखने को मिलेगी, कहीं क्रोम का यूज नहीं किया हुआ मिलेगा। थोड़ी सी ये आपको स्पोर्टियर फील देने वाली है, एंड जिसको भाई क्रोम नहीं पसंद है उसके लिए एक्जैक्ट ये वेरिएंट काफी बढ़िया है। एंड सेकंड थिंग इज गाइस कि यहाँ पे आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जा रहे हैं, सनरूफ मिल जा रहे हैं, ऑटो डेनिम IRVM मिल जा रहा है इंटीरियर में। एंड पहले 16 इंचेस के व्हील ऑफर होते थे, अब यहाँ पे आपको पूरी ब्लैक्ड आउट में 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर हो रहे हैं, जहाँ पे आपको 205/55 सेक्शन के टायर्स देखने को मिल जा रहे हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में ड्रम, बाकी पूरी डिटेल की बात हम लोग वीडियो के दौरान में भी हम लोग बात करेंगे। जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले पूरी यहाँ पे आपको ब्लैक आउट चीज़ें मिलेंगी, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो रेन में IRVM, सनरूफ, एंड यहाँ पे भाई अपना एलॉय व्हील 17 इंचेस का ब्लैक कलर में। तो 50 से 55 हज़ार का प्राइस डिफरेंस बड़ा है सिग्नेचर से, एंड अब ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है भाई। एंड उसी के बाद गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स 2 देखने को मिल जाएंगे, एंड ऑटो रेन में IRVM इंटीरियर मिल रहा है, कुछ ऐसा हुड मिल जाता है जहाँ पे कुछ कट्स एंड डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि व्हीकल के लुक को भी एनहेंस कर देती है, एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनेमिक से भी प्रोवाइड कराती है, स्कोडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड गाइस फ्रंट से अगर देख रहे हैं, कुछ ऐसी पूरी आपको फ्रंट प्रोफाइल मिली जहाँ पे पूरी डीक्रोम में फ्रंट की ग्रिल मिलेगी। एंड अगर हेडलाइट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिल जाएगा जो कि LED है, वन टर्न सिग्नल आपको हैलोजन मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको LED DRS मिल जाती है, एंड फॉग लैंप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको हैलोजन ही मिलने वाली है। नीचे आपको मिल जा रही है भाई काफी बढ़िया पियानो ब्लैक इंसर्ट्स, एंड इधर भी आपको काफी बढ़िया स्किट पेड पियानो ब्लैक में मिलेगी। हनीकॉम डिजाइन में लोअर ग्रिल, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, यहाँ पे टोइंग हुक की सेटअप मिल जाती है। बाकी प्रोडक्ट आप पूरी फ्रंट से चेकआउट करिए। साइड प्रोफाइल में आ रहे हैं तो भाई ये है इसकी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, हम लोग राइट साइड प्रोफाइल इसका देखते हैं। सो गाइस व्हील मैंने आपको बता ही दिया है, पहले आप देखिए यहाँ पे आपको फुल बॉडी ग्लाइडिंग मिल रही है, फुल बॉडी ग्लाइडिंग, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 205/55 सेक्शन टायर मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डम ब्रेक ऑफर हो रहे हैं, डोर ग्लाइडिंग बहुत बढ़िया मिल जा रहा है विद पियानो ब्लैक एंड स्पोक ब्लैक इंसर्ट्स। यहाँ पे गाइस आपको स्कोडा की ब्रांडिंग फेंडर पे मिल रही है, एंड ORVM देख रहे हैं तो ये भी आपको काफ़ी यहाँ पियानो ब्लैक में मिला विद टर्न सिग्नल LED, एंड यहाँ पे आपको नीचे को भी पडल लैम्प नहीं मिलता, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आती है। यहाँ पे आपको बिडिंग देख रहे हैं तो मिल जा रहा है स्मोक ब्लैक में, एंड पिलर्स आपको पियानो ब्लैक में मिल रहे हैं। बाकी गाइस बॉडी कलर प्लस क्रोम इंसर्ट तथा डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलेंगी। ऊपर आपको रूफ रेल्स ऑफर हो रहे हैं, अभी अंदर की बात बिल्कुल चलेंगे। एंड कट्स मिल जाती है जो कि फ्रंट फेंडर्स होते हुए रियर फेंडर तक आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यहाँ पे आप चेकआउट करिए भाई। एंड गाइस उसके बाद रियर में डम ब्रेक ऑफर हो रहे हैं, मैंने आपको बताई दिया राइट साइड रियर फेंडर पर, जर्मन प्रोडक्ट है तो राइट साइड में फ्यूल लॉक होता है। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया सा फ्यूल लॉक मिल जाता है, जहाँ पे 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर हो रही है। बाकी गाइस यहाँ पे ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो अपने को साफिन एंटीना मिल रहा है जो कि ब्लैक कलर का है, एंड यहाँ पे आपको स्पॉयलर प्लेसमेंट रूफ आपको गाइस पूरी ही मिलती है ब्लैक कलर की, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगती है प्रोडक्ट अपनी। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं तो ऊपर अपने को स्पॉयलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको स्कोडा की ब्रांडिंग ये भी पूरी ब्लैक में ही देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था क्रोम का कहीं यूज़ किया हुआ नहीं है। एंड गाइस अगर देख रहे हैं टेल लैम्प को तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, टर्न सिग्नल, हैलोजन ही मिलेंगे, नीचे नॉर्फॉक्स का रिफ्लेक्टर मिल जा रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपको 1, 2, 3 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, कुशाक TSI की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग काफ़ी बढ़िया रेड कलर की, एंड काफ़ी बढ़िया ब्लैक कलर की स्टेप मिल जाती है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, रियर कैमरा प्लेसमेंट, एंड 3 पार्किंग सेंसर्स आ ही रहते भाई। स्किट प्लेट काफ़ी बढ़िया पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में, काफ़ी बढ़िया अपनी जो प्रोडक्ट है भाई
वो लगने वाली है। एंड अप्रॉक्स 385 टू 400 लीटर्स की बूटी स्पेस ऑफर होती है कुशाक में। एक्सपेंडेबल है बिकॉज 64 स्प्लिट सीट्स मिल जा रही हैं। पार्सल ट्रे, बूट लैम्प, फर्स्ट एड किट एंड लगेज कैरी करने के लिए होल्डर मिल जा रही हैं जो कि 3 kg का वेट कैरी कर सकती हैं। नीचे आपको स्पेयर व्हील की पेसो मिलेगी जो कि आ रही है भाई अपनी 50 inches की, काफ़ी साइज़ में छोटी है। ऊपर पूरी कवरिंग मिल जाती है, टॉगल मिल जाता है भाई इसको पकड़ के क्लोज करने के लिए शॉर्ट हाइटेड पर्सन के लिए। बाकी डीलरशिप का यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। रियर प्रोफाइल पूरी आप लोगों ने देख ली, मतलब स्पॉइलर, हैमोड, स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर, सभी चीज़ें ऑफर हो रही है। रियर कैमरा, 3 parking सेंसर, रूफ रेस, बढ़िया बात। बाकी सेम वही भाई जो कि राइट साइड में मिली थी वही मिलेगी अपनी क्रोम इंसर्ट्स के साथ, डोर हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट हो RVM ठीक है भाई। ये तो भाई इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या डायमेंशन मिलती है, सेफ्टी फीचर्स क्या मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल लेंथ व्हीकल की 4225 mm की मिलेगी, 1760 mm की विथ मिलेगी, हाइट ओवरऑल 1612 mm की मिलेगी, 2651 mm की व्हील बेस। एंड गाइस ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस अपनी पोशाक में ऑफर हो रही है। 1248 kg तक यहाँ पे आपको कर्वेट देखने को मिल जाती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोडक्ट को अगर आप हिली एरियाज में लेके जाते हैं तो कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होती है। सेफ्टी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मैंने रखता है, तो पहली बार स्कोडा की प्रोडक्ट है भाई, सेफ्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फीचर्स, कम्फर्ट, हर एक चीज़ चाहिए, तो सेफ्टी में यहाँ पे गाइज आपको बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया मिलती है पहली बार। सेकंड थिंग इस गाइज की यहाँ पे आपको 6 airbags बेस मॉडल से ऑफर होती हैं एंड उसके बाद ABS, ABD, सेंट्रल लॉकिंग, चार सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीटबेल्ट वार्निंग, डोर वार्निंग, टैक्सी कंट्रोल, टाइपेशन मॉनिटर सिस्टम, इंजन इम्प्रोवाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड डेलर, आइसोफिक्स साइड सीन माउंट, हिल असिस्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफर हो रहे हैं भाई अपनी कुशाक स्पोर्ट लाइन में। ये सब चीज़ें बाहर की थी, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को ऑफर हो रही हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर साइड चलेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी क्लब प्लस डोर क्रोम डोर हैंडल्स मिल जा रहे हैं। ये इंटीरियर आप चेकआउट करिए, सबसे पहले डोर पैनल को अगर देखेंगे गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको डोर पैनल मिल रहा है। यहाँ पे आपको फैब्रिक फेस मिल जा रही है सॉफ्ट टच, ऊपर आप देख रहे हैं तो भाई अपने को मिल जा रही है हार्ड प्लास्टिक। क्रोम डोर लीवर्स मिल रहे हैं, हैंडल मिल जा रहे हैं काफ़ी बढ़िया अपने को, ग्रे एंड ब्लैक कलर में मिल जा रहा है डोर पैनल। स्पीकर प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर। एंड गाइस ये है इसका ओवरऑल इंटीरियर, काफ़ी बढ़िया पियानो ब्लैक में अपने को एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको ग्रे फिनिशिंग मिल जा रही है, फिर लाइट से कंट्रोल, फिर लाइट एवराइजर, फिजिकल की से आपको काम चलाना होगा। एम्बियम लाइटिंग यहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हैं प्रॉपर आपको मिल जा रही है भाई, बढ़िया बात है। नीचे अगर आप आ रहे हैं तो मेटल पैडल्स मिल रहे हैं, डेड पैडल ऑफर हो रहे हैं आपको, यहाँ से इंजन वे ओपन करेंगे आप। सीट्स अपने को फैब्रिक एपोक्सी की देखने को मिल जाती है, सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आ रहा है। एंड गाइस हेड रेस्ट दो हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं, आर्मरेस्ट आपको मिल जा रहे हैं। बाकी गाइस अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और डिटेल में एक एक चीज़ अंदर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गाइस की को निकालना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर आपको फिजिकल की के ही काम चलाना होगा। एंड ये भाई अपनी जो प्रोडक्ट है ऑन हो गई, ऑन होने के बाद कुछ ऐसा ओवरऑल आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। चेकआउट करिए इंटीरियर, सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाते हैं, इधर आपको टैकोमीटर, इधर स्पीडोमीटर, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, इधर आपको एक डिस्प्ले मिलेगा यहाँ पे व्हीकल्स रिलेटेड काफी सारे इन्फॉर्मेशन लाइक वेदर टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, ओडोमीटर, TPMS एंड हर एक चीज़ आप व्हीकल के रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ से पा लेंगे भाई। जहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इधर से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड उसी के बाद गाइज यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपने MID की, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल मिल जाएंगे काफ़ी बढ़िया। गाइज अपने को लेदरॉइड 2-spoke स्टेरिंग व्हील मिलता है जो कि क्रोम इंसर्ट्स पियानो ब्लैक के साथ आ रहा है, स्कोडा की ब्रांडिंग। कंट्रोल्स को देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पे MID कंट्रोल वगैरह मैंने आपको दिखाई दी थी, ड्राइविंग डेटा, ऑडियो वगैरह, हर एक चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी गाइज क्रोम वगैरह में ये सब काफ़ी सुंदर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, फील भी देता है। यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल वगैरह मिल जाएगी। बाकी गाइज स्टेरिंग व्हील अपना आ रहा है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट साथ, वाओ बढ़िया बात। 2 buttons मिल जाते हैं यहाँ पे आपको MID कंट्रोल करने के लिए। टॉगल्स को देखेंगे राइट साइड में अपने को वाइपर कंट्रोल, लेफ्ट साइड में अपने को टर्न सिग्नल वगैरह कंट्रोल्स मिलेंगे, इधर की चीज़ें मैंने बताई दी। सेंटर में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 10 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को। बाकी गाइज एक बार रियर कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं, कुछ ऐसी यहाँ पे आपको रियर कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है भाई जो कि ठीक है। यहाँ पे गाइज इसके साथ आपको 6 speaker सेटअप मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पे AC वेंट्स, यहाँ पे हज़ार का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप, डोर लॉक अनलॉक का यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, ऑटो AC मिलती है, 2 type C पोर्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, काफ़ी अच्छा स्पेस, 12W का इधर पावर सॉकेट, 6 speed मैनुअल ट्रांसमिशन स्टार्ट आती है कुछ ऐसी गैलीवर। एंड रिवर्स आपको अपना जो गियर नोब है उसको पुल डाउन करके लगाना होगा भाई। यहाँ पे हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, कप होल्डर, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल रहा है विद स्पेस एंड ये फैब्रिक फिनिश में है। बाकी गाइस यहाँ पे आपको स्कोडा की ब्रांडिंग काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर मिलता है।
एंड अपने को भाई यहाँ पे कूलिंग के साथ मिलता है ग्लव बॉक्स, ऑटो डेनिम आयर जो कि सिग्नेचर में नहीं मिलता था, लाइट्स अपने को एलईडी ऑफर हो रही हैं, एंड इधर गाइस आपको काफ़ी ठीक साइज़ का इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिलता है आराम से, मतलब बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं है, काम आपका बिल्कुल आराम से चल जाने वाला है, अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिल जा रहा है स्पेस। बाकी सनवाइजर देख रहे हैं तो ड्राइवर साइड कुछ ऐसा मिलता है, डेकर टोरी साथ को ड्राइवर साइड अगर आप देख रहे हैं तो वैनिटी मिरर साथ मिलेगा। बाकी जो चीज़ें मिल रही थी आपको भाई वो मैंने आपको दिखाई दी है अपने स्पोर्ट लाइन वेरिएंट कुशाक में। अब चलते हैं इसके सेकेंड रूम में और देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें अपने को मिल जा रही हैं। यहाँ पे आपको इसका प्लेट भी मिल जा रहा है कुशाक के ब्रांडिंग के साथ। एंड सेकेंड रूम में चलने तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ओवरऑल डोर पैनल मिलेगा जहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, क्रोम फिनिशिंग मिलेगा, ये काफ़ी मुझे सुंदर लगता है भाई। एंड ये भाई इसका ओवरऑल सेकेंड रूम जहाँ पे अपने को फैब्रिक अपोशी की तरह पूरा सीट मिलता है, एंड हेडेस तीनों एडजस्टेबल है 64 स्प्लिट सीट के साथ आती हैं, एंड आर्मरेस्ट मिलता है गाइज आपको विथ 2 कप होल्डर्स, पीछे पार्सल ट्रे मिल जा रहे हैं, गर्मियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली रियर में बिकॉज रियर एसी वेंट्स, यहाँ पे 2 टाइप सपोर्ट हम थोड़ा सा मिलता है भाई पीछे, बाकी ऊपर सनरूफ आ रहा था, हैंडल प्लस हैंगर ड्राइवर को ड्राइवर साइड मिलेगा, लाइट्स आपको मिल जाती है, रीडिंग लैंप आप बोल लीजिए सेकंड रूम में भी ऑफर हो रही हैं। बाकी स्पेस वगैरह देख रहे हैं तो अच्छी खासी स्पेस है, हाइटेड व्हीकल लगती है अगर आप अंदर बैठते हैं तो, एंड देख ही लीजिए यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया नी रूम, लेग रूम, फुट रूम भी मिल रहा है, एंड अंदर साइज सपोर्ट इज़ टू गुड। एंड अगर हेड रूम की बात कर लेते हैं तो ठीक साइज़ का यहाँ पे आपको हेड रूम मिल जाता है भाई, बाकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हाइट के लोगों में तो उनको थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। बाकी गाइस प्रोडक्ट अपनी काफ़ी बढ़िया, एंड ये जो मतलब अपनी स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है ना 1 लीटर एंड 1.5 लीटर दोनों में ही अवेलेबल होगी, एंड इसके नीचे आ जाती है सिग्नेचर, देन उसके बाद भाई अपनी क्लासिक आती है, तो सिग्नेचर से ही भाई अपना 1 लीटर 1.5 लीटर अवेलेबल हो जाता है, एंड वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाते हैं, बट क्लासिक जो बेस मॉडल है वहाँ पे सिर्फ आपको भाई मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और 1 लीटर का ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी गाइस ये था इसका इंटीरियर, अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इंजन में अपने को पावर एंड टॉक देखने को मिल जाता है। फटाफट से गाइस इसका इंजन भी ओपन कर लेते हैं, इसलिए ड्राइवर साइड से आप भाई इसका इंजन भी ओपन कर लेंगे, यहाँ पे मिल जाता है आपको लीवर। एंड गाइस इंजन भी ओपन करने में कुछ ऐसा ओवरऑल सीन मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी इंसुलेशन पैड नहीं मिलता, यहाँ पे आपको फ्यूगर प्लेसमेंट, बैटरी प्लेसमेंट, ये भाई अपना 3 सिलेंडर इंजन यहाँ पे गाइस आपको मिल जाता है कूलेंट का सेटअप, एंड 999cc 3 सिलेंडर VSX फेज 2 इंजन मिल जा रहा है इसमें, जहाँ पे मैक्स पावर अपने को 114 BHP की मिल रही है 5500 RPM पे, एंड 178 NM की टॉक मिल जा रही है 4500 RPM पे, जहाँ पे गाइस आपको 19 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आ रही थी प्रोडक्ट। सो गाइस ये थी भाई अपनी स्कोडा कुशाक 1 लीटर स्पोर्ट लाइन का फुल डिटेल रिव्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, हर एक चीज़ मैंने बता दिया, नया अपडेट्स क्या था वो भी मैंने बता दिया, 17 लाख तक मोटी मोटा ये आपका ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है। बाकी गाइस पूरी गाड़ी डीक्रो में, 70 इंच का ब्लैक कलर का अलॉय, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, सनरूफ वगैरह, ऑटो नेरिंग आयर रिम, ये चीज़ नया मिला है एज कम्पेयर टू सिग्नेचर, बढ़िया बात है VFM वेरिएंट निकल के आ जाती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी छुपाने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।